ये भी भाई के पास है अफ्रीकन ग्रे, जो कि भाई ने अभी लेके आया है। तो अभी हम लोग घर पे इनके भाई के, तो अभी भाई दिखा रहे, देखिए भाई बताओ भाई क्या है ये? ये 3.5 महीने का ग्रे है, कौन सा वर्ड बोले? सिनेगल। ओके सो हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल जुबेर से ब्लॉग्स। तो गाइस ब्लॉग कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे लगे। तो गाइस हमारा आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस आज हम जा रहे हैं वाजिद भाई के शॉप में, जैसे आपको मैंने दिखाया था बर्ड्स का बहुत सारे थे इधर पे सेल किए थे। तो आज भाई के पास आया है पर्शियन कैट, जो कि है एक्सट्रीम पंच में, जो काफ़ी सारे रेयर है। तो वो आया है, तो आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। एंड अफ्रीकन ग्रे बर्ड्स आया है, जो कि ना 2000 वर्ड्स से बोलता है, वो टॉकिंग बर्ड है। तो वो साथ एक्सप्लोर कराऊंगा, तो चलते चलते और डायरेक्ट उनके शॉप में मिलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं, तो अभी अभी शॉप में हम जाते हैं, आपको पूरा बर्ड्स और शुगर ग्लाइडर्स और सब दिखाते हैं। तो गाइस अभी इधर रखते हैं अपने पास एक दो शुगर ग्लाइडर्स है, जो कि देखिए इधर नेक्स्ट बॉक्स में। तो अभी ना उसने बेबी बेबी देने वाली है, तो इसलिए भी अंदर से हम दिखा रहे हैं। तो देखो दो है शुगर ग्राइडर से भी सेल के लिए, तो भाई का आप कॉन्टेक्ट करके देख पूछ सकते हो कि अभी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं कब सेल हो जाए। तो इधर पे देख सकते हैं। तो क्या देखिए इसके पीछे से भी देखिए दूसरा वाला भी शुगर ग्राइडर है, जो कि मेल है जो पीछे जो। तो इधर इसमें एक, एक दो स्पीशीज आती है, एक जो नॉर्मल है शुगर ग्राइडर और एक वाइट में आता है लूसिस्ट। कौन सा वर्ड बोले? सिनेगल। तो गाइस है ये देखिए सिनेगल बर्ड है, जो कि नेटिव है अफ्रीका से, मतलब वेस्ट अफ्रीका से नेटिव है। तो इनका जो विंग नहीं सकते बड़ा ग्रीनिश में और एकदम अच्छा लग रहा है। तो ये ना मैंने फर्स्ट टाइम मुंबई में देखा है वाजिद भाई के पास ही, जो कि बर्ड है। तो देख सकते हैं एकदम प्ले फूल है और 2.5 महीने का ही रहेगा, 1.5 महीने का शायद, 1.5 महीने। तो गाइस देख सकते हैं अपने पास है सन कनियर, जो कि अच्छे गुड हेल्थ में एकदम और एकदम बेबीज है। तो देख सकते हैं कि जो रैन की टेल ना वो काफ़ी ज़्यादा ना एकदम यूनिक बनाते हैं इनको। तो ये दो है, आप और भी आए नहीं स्टॉक में तो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये भी है, तो देखिए मेरे हाथ में एकदम खेल एकदम प्लेफुल है, देख सकते इधर पे। और देखिए भाई वाजिद भाई दिखा रहे अपने को पूरा एकदम रेड रेड है। तो क्या देख सकते हैं अपने को ना ग्रीन कनेर देखने मिल रहा है और पाइनएप्पल कनेर है। तो देख सकते नजदीक से तो पूरे ग्रुप में ये, तो इधर पे चिप्स भी है, तो देख सकते हैं अलग टाइप्स के। तो कैसे भी इधर पर देख सकते हैं अपने पास एक ब्लू कन्यूर है, जो ब्लू को दिख रहा है ब्लू ये, हाँ ब्लू कन्यूर देखिए ये भी गुड हेल्थ में। और देखिए सर विंग देख सकते हैं पूरा एकदम ब्लू में, तो काफ़ी अच्छा कलर है और गुड हेल्थ में भी ये भी। तो इधर पे आपको ब्लू देखिए। तो कहते हुए देखते रहे शुगर ग्लाइडर पहले अंदर थे, तो अभी लोग बाहर आए कुछ खाना खाने के लिए। तो देखिए अभी इधर दो शुगर ग्लाइडर है और ये मेल को देख सकते हैं, शायद मेल अंदर जा रहा है। वैसे देखिए अंदर गया, तो भी आपको जैसे दिखाते। तो देखिए गाइस भी अंदर आराम कर रहा है और फीमेल इधर पे खा रही। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए, मैं आपको मेरे शॉप का दिखा दी नीचे का जो बर्ड्स थे। तो भाई का सभी ना कैट्स आए एक्सट्रीम पंच में, तो कैट्स है और इधर पे अफ्रीकन ग्रेज है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए भाई निकल, भाई के पास है अफ्रीकन ग्रे, जो कि भाई ने अभी लेके आया है। तो अभी हम लोग घर पे इनके भाई के, तो अभी भाई दिखा रहे, देखिए भाई बताओ भाई क्या है ये? 3.5 महीने का ग्रे है और ये अभी टॉकिंग करना चालू कर रहा है, आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी। हेलो, देखो विसल करता है, बात करता है, अभी बात करना शुरू कर रहा है मतलब। तो मैंने सुना कितना तो कुछ कितना हजार वर्ड्स बोलता है, 2000 वर्ड तक ये बात कर लेता है। 5 ईयर्स के इतना बीबी के इतना इसके अंदर ब्रेन होता है और इसकी जो लैंग्वेज होती है सेम ह्यूमन की तरह होती है। अभी तो किसी बात करना सीख रहा है, जैसा हम बोलेंगे वैसा सीखेगा। हाँ ये सीख रहा, देखो कोको तो आपके सामने कैमरे पे बात कर रहा है और ये फुल विंग्स है और वगैरह भी और फुल्ली टेम्ड है, फुल्ली टेम्ड। आप इसको कैसा भी हैंडल करो बिल्कुल बाइट वेट नहीं करेगा। और ये 3.5 महीने का ही बच्चा है, सिर्फ ओनली 3.5 मंथ्स तो भी और बड़ा होगा ये। हाँ ये भी और बड़ा होगा, अभी देखो बात कर रहा है कैसा, अभी मतलब ये बात करना चालू किया, इसका वोकल खोल रहा है, मतलब अभी ये ट्रेन कर रहा है। क्लियर लैंग्वेज में नहीं है,
बट ये भी क्लियर लैंग्वेज 7 महीने के बाद से बोलना चालू करेगा। अभी विसल ये देखो मिट्टू ये सब बोलता है मिट्टू और बिल्कुल बाइट बिट नहीं करता। तो ये नेटिव अफ्रीका से है ना? हाँ ये अफ्रीका का मतलब ये लोकल ब्रीड है इंडिया की, मतलब इंडिया में ब्रीड हुई है, इंडिया की ब्रीड हुई है, डीएनए कार्ड के साथ है, फीमेल है, मतलब कोई लेगा तो कार्ड के साथ साथ में पेपर वर्क के साथ आएगा। तो भाई अभी ये सेल के लिए, हाँ ये सब सेल के लिए। और यहाँ पे भी एक और ग्रे है बच्चा है, ये देख सकते हो अभी बीबी है अभी। ये कितने महीने का रहेगा? साइज है ये 2.2 महीने के, 2 महीने का है ये। तो इसमें मेल फीमेल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका डीएनए करना पड़ता है और कलरेशन से ही पता चल रहा है। अभी इसका कलर लाइट है देखो कितना, हाँ लाइट में फीमेल है। और डार्क कलर का जो बड़ा हेड होता है जिसका डार्क कलर होता है मेल होता है, मतलब जिसका लाइट है वो मेल है, फीमेल है। और ये जो पतला होता है और ये जो मोटा हेड होता है जिसका और डार्क कलर होता है ये मेल होता है। तो ये मेल है, हाँ। तो ये भी टॉकिंग अभी नहीं किया है? नहीं अभी नहीं करा, अभी बच्चा है, बहुत छोटा है अभी, अभी तो हैंड फिट पर है ये, मतलब से हैंड फिटिंग करना पड़ता है, हैंड फिट पर है। तो उसका भी कुछ फार्मूला होता होगा ना? हाँ ये A90 हैंड फिटिंग फार्मूला का बड़ा हो रहा है, जो सब बर्ड्स देते हैं वही बर्ड्स का सेम है, सेम बर्ड्स है। तो दोनों सेल के लिए, दोनों सेल के लिए अवेलेबल है। क्वालिटी एकदम प्रीमियम है, प्रीमियम क्वालिटी है बर्ड में, आपको कोई भी ऐसा मतलब थोड़ा सी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो प्रीमियम बर्ड है, हैवी वजन वाले बर्ड है, आप आइए देखिए, गुड हेल्थ में, हाँ एकदम हेल्दी बर्ड है। अब आके लाइव चेक करिए तो आपको पता चलेगा बर्ड की क्वालिटी क्या है। तो उसको और कुछ ट्रेन भी कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेन फ्लाइंग हो गया, ट्रेन होगा फुल ट्रेन, फ्लाइंग टेम ये भी फ्लाइंग टेम बुला के उड़ के आती है। और ये सब अभी तो ये बच्चा है, इसको हैंड पे दे के बड़ा कर रहा हूँ। तो ये काफी ज्यादा भी इंडिया क्रेज हो चुका है अफ्रीकन ग्रे का, हाँ। ये बहुत लोग इसको पाल रहे हैं, मकाओ के बाद शायद यही है अफ्रीकन ग्रे ही है सबसे ज्यादा जो पल रहा है आज के टाइम पे, लोग डिमांड में ग्रे, अफ्रीकन ग्रे। अब ये भी बुक है ऑलरेडी, ये जो ये आप देख रहे हो ये अवेलेबल है। तो ऐसा है कि मैं बच्चे से ला के बड़ा करता हूँ फिर उसको सेल करता हूँ। तो भाई जिस अभी किसको भी गाइस चाहिए रहेगा तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, जो भी बर्ड्स को आप चाहिए रहेगा एक बार कॉन्टेक्ट करके भाई से बार पूछ लेना, तो भाई बता देंगे कौन सा अवेलेबल है। तो देखिए इधर पे खेल रहे। अब भाई इसकी लाइफ स्पेन क्या रहेगी? इनकी लाइफ स्पेन है ना 50 ईयर्स तक का ग्रे पाया गया है। अभी इसका लाइफ स्पेन मिनिमम 50 ईयर्स तक होता है। मतलब जो इन्वायर्ड में कैसा रहता है, इन्वायर्ड में लाइफ स्पेन कम रहता होगा ना? हाँ वाइल्ड में लाइफ स्पेन जो है कम हो जाता है, इंडोर में लाइफ स्पेन बढ़ जाता है क्योंकि इसको खाना न्यूट्रिएंट्स सब मिलता है तो उससे इसका हेल्दी हो जाता है, बट लॉन्ग टाइम तक के चलता है। बट इसका फूड जो है मेंटेन करना पड़ता है। तो इसे कोई और दूसरे बर्ड साथ रख सकते हैं? हाँ रख सकते, मतलब ग्रेस को अगर बड़ा केज है तो आप किसके साथ भी रहो कोई इशू नहीं है, कोई बर्ड साथ होना चाहिए, बड़ा केज रहना चाहिए, बिग केज जिसे रूम के रूम जितना बड़ा होना चाहिए, इनक्लोजर को बड़ा चाहिए, मतलब बड़ा चाहिए, वरना फिर छोटे केज में तो आप इसको सिंगल रखना पड़ेगा। इनका जो ब्रीडिंग सीजन रहता है कब रहता है? इसका ब्रीडिंग का भाई, इसका ब्रीडिंग का तो इतना नॉलेज नहीं है, बट ये है कि एडल्ट होता है ये 5 ईयर्स की एज में। और जैसा मेल फीमेल डीएनए के साथ होना है तो मतलब कंफर्म होता है। कितने लोग रखते हैं पैर कलर देख के या मतलब एक्सपीरियंस है, बट वो कभी कभी वो भी गलत हो जाता है। और ब्रीडिंग तो इनका बहुत टफ है, अगर बहुत हार्ड रहता है, हाँ इतना इजी ब्रीडिंग नहीं है इसका, बट ये है कि हाँ ब्रीड होता है लोकल में अभी, अभी मतलब इंडिया में भी ब्रीड चालू हो गए। तो ये देखिए इसका विंग भी देखिए पूरा ट्रिम नहीं किया, ऐसे ही है फ्री घूमते, हाँ एकदम प्लेफुल है। तो ये तो बुक हो गया है, अभी सिर्फ यही बचा है। हाँ भाई के पास अभी कैट आई है, तो भाई बताओ कौन सी कैट है? ये मेरी पर्सनल कैट है, एक्सट्रीम पंच फेस है, सीएफए की ब्लड लाइन है, सीएफए बोले तो इम्पोर्टेड जो ब्लड लाइन कैरी करी है इसने। और ये मेरी पर्सनल है, इसका नाम जारा है और इसने 4 बेबीज दी है, 4 बेबीज है इसके, आप चेक कर सकते हैं, डाल के दिखाता हूँ। पहला वाला जो बेबी है इसका मैंने नाम मोटू रखा हूँ। और ये जो है बहुत ही टॉप क्वालिटी का बच्चा है, एक्सट्रीम पंच फेस का, तो काफी ज्यादा मतलब कम दिखता है ना ऐसे बेबीज। ये बहुत रेयर स्पीशीज है, मतलब रेयर नहीं, मतलब ये ऐसा है किसी क्वालिटी का, आप देख चेक करिए। ये बच्चा सिर्फ अभी 14 डेज का है, 14 डेज का, 14 to 15 डेज के आसपास का है, मतलब 20 डेज पकड़ जा सकता। और इसका देखो फेस देखो पूरा एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम बोलो मतलब एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? एक्सट्रीम का मतलब ये होता है देखो, उसका नोज जो है और उसका आईज के पास का हिस्सा जो एकदम क्लोज रहेगा, नोज एकदम पॉइंटेड होगी और उसकी जबान देखिए ऐसा लगा चाइनीज जैसा, हाँ एकदम चाटने जैसा टाइप है, हाँ ऐसा लगता है मतलब एक गुड़िया डॉल जैसा होता है। तो इसको भी अलग कुछ फिट कराना पड़ता है कि ये बुकिंग के लिए मैं दे रहा हूँ, अगर जिस किसी को भी चाहिए ये मतलब बड़ा करके दे दूंगा आपको सेल्फ फिटिंग पे 2 मंथ्स की एज पे दूंगा। और ये प्योर एक्सट्रीम पंच फेस है और इसकी जो मदर है वो आप देख सकते हो जारा है, ये मेरी जारा है, ये इसकी मदर है और ये इसका बेबी है, मतलब 4 बेबीज दी है ना इसने,
फोर बेबीज फोर बेबीज दिए। अब इसकी क्वालिटी चेक करिए, इसकी जबान देखिए अभी से बाहर है, ये क्वालिटी के बच्चे आज के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल। वो घर की ब्रीड है तो और अच्छी रहती है। घर की ब्रीड देखो ये इसके, ये इसी का बेबी है और इसकी आईज देखिए कितनी प्यारी है, ब्लू है मैं ग्रे है शायद, देखिए तो अभी ये जबान निकाल रही है एकदम सेम टू सेम इन लोगों का फेस, बेबी का भी ऐसा ही है। इसका बहुत अच्छा फेस है, ये एक्सट्रीम मेरे डैडी पे गया उसके, इसकी जबान देखिए, इसका फेस कट देखिए, इसकी क्वालिटी चेक करिए आप, एकदम मोटा ताजा बच्चा है, एकदम हेल्दी है। और जो सेकंड है बेबी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी जारा पे गया है, ये देखिए ये सेम जारा जैसा दिखेगा बड़ा होने के बाद, इनका फेस सेम सेम टू सेम जारा है वैसा ये है। ये सब ट्रिपल कोट के बच्चे है, ये कोई भी ऐसा नॉर्मल नहीं है। ट्रिपल कोट मतलब जो इसका जो बाल रहता है जो वो डबल है, ऐसा अपने बच्चे को लेके बैठी है यहाँ पे, एक दूध पी रहा है। हाँ वो दूध पी रहा है। और दूसरा जो है थर्ड नंबर का जो है ये वाइट एंड ब्राउन बाई कलर पे गया है, इसकी फेस देखिए आप, इतना एकदम डॉल की तरह फेस है इसका, एकदम डॉल फेस भी आती है। हाँ, डॉल फेस आता है, बड़ी डॉल फेस नहीं, ये सब पंच है, ये पंच में आया, ये एक्सट्रीम है ये दोनों, पर ये बट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हाँ, ये पंच है, इसमें पंच फेस है, पंच फेस ये इतना एक्सट्रीम नहीं है, मगर इसकी मॉम यही है। अब क्वालिटी देखिए, इसके लेग्स देखिए कितने प्यारे है, और ये सब हैवी बोन स्ट्रक्चर के बच्चे, मतलब जो इम्पोर्टेड ब्लड लाइन के बच्चे होते हैं उसके। और जो सबसे रेयर स्पीशीज आई है मेरे पास, ये मेरी खुद का मतलब फेवरेट है, ये मैं बेचना नहीं है मुझे, ये आया है अपना हिमालयन में आया है, ओ हिमालयन कैट्स में जो फेस हिमालयन आया है। इसका टेल देखिए जैसे जैसे बड़ा होगा सिल्वरिश होते जाएगा। तो ये इसका बेबी है? हाँ ये भी इसी का बेबी है। बट ये हिमालयन में कैसे कन्वर्ट होगा? ये मतलब ब्लड लाइन कैरी करके आता है, जो उसका फादर होगा वो या तो हिमालयन स्प्लिट होगा या मदर्स तो मतलब प्योर उसकी है, मतलब एक्सट्रीम पंच फेस की है। अब इसकी क्वालिटी चेक करिए मेरे बच्चों की, क्या कितना प्यारा बच्चा, देखिए इसकी टेल क्वालिटी, अभी से इसकी कोटिंग देखिए कितनी सादा है, एकदम सिल्वर में है पूरा, एकदम सिल्वर बच्चा, ये बहुत रेयर है, ये मैंने खुद के लिए रखा बेबी, ये देखिए इसकी हेयर क्वालिटी देखिए, ओनली 20 डेज के बच्चे हो गए, उससे ज़्यादा बड़े नहीं है। अब इसकी क्वालिटी चेक करिए, मतलब ये 4 तारीख को बॉर्न हुए थे फेब्रवरी के, आज इनकी बॉर्न डेट भी मिल जाएगी, बॉर्न वीडियो भी मिल जाएगी, और इसको तो मैंने सबको मैंने खुद ही हाथ से मतलब करे बड़े तो बचपन की से लेके बड़े होने तक की वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, और सब एक्सट्रीम पंच फेस में है। ये भी कितना क्यूट दिख रहा है। हाँ अभी ये सब मदर मिल्क पे देख, आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ये लोग चारों भी कैसा लोग मदर मिल्क पे है अभी, और सबकी क्वालिटी चेक करिए, तेल चेक करिए, एकदम प्रीमियम बच्चे है, कलर भी एकदम अच्छा है। और मेरी जारा की आईज देखिए, जो इसका कलर है फेस का, मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर का कलर है वही इसका आईज का भी कलर है, देखिए तो ये मतलब ये सब ट्रिपल कोट है, ये सब ट्रिपल कोट हैवी बोन है, इसके ब्लैक चेक करिए, इतने मोटे मोटे पैर इनके, ये जस्ट अभी 12 मतलब 4 तारीख की बॉर्न डेट है फेब्रवरी की, आप देख सकते हो इसको देखिए कितना मस्ती कर रहा है जारा उसको लेके बैठी है। और ये सब जो बच्चे हैं ना मेरे पास पहले ही बुक हो जाते हैं, अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा ना वो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए या आके विजिट करिए, आप बुकिंग बुक कर सकते हो, इसमें ऐसा है नहीं है कि मतलब बहुत, ये जो बच्चे हैं क्वालिटी का ये आपको मैं अच्छे रेट्स में दूंगा, प्लस ये जो बच्चे हैं ये मैं मतलब सेलर रीसेलर को नहीं देता, मुझे किसी घर वाले को देना है ताकि वो अच्छे केयर कर पाए। प्रीमियम क्वालिटी की बेबीज है, प्रीमियम क्वालिटी की बेबीज है, और इनको मैं हैंड फीड भी करता हूँ, जैसे बर्ड्स को करता हूँ वैसा मैं इनको हैंड फीडिंग भी करता हूँ। नहीं केयर इजी रहती है इनकी, केयर टफ रहती है इनकी? इनकी जो केयर है एक्सट्रीम पंच फेस की, इसकी थोड़ी सी आपको थोड़ा मेंटेनेंस लगता है, जैसे उसका आईज का मेंटेनेंस होता है बस, और कुछ नहीं है। तो इनके बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं, सब जो सब मिलता है, इसका सारा प्रोडक्ट मिलेगा मेरे पास, और ये जो बच्चे हैं ये मेरे घर के बच्चे हैं, तो ये अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे, क्वालिटी मिलेगी, नो इन्फेक्शन नो कुछ भी, मेन क्वालिटी है, करके क्वालिटी मिल के पूरा मिलेगा आपको बच्चा, क्वालिटी दे सकते हैं भाई, एकदम अच्छे क्वालिटी का है, होम मतलब घर की ब्रीड है, तो जो घर की ब्रीड रहती है ना वो देखिए ऐसी रहती है, एकदम अच्छी क्वालिटी में, साफ सुथरा रहेगा, क्लीन ड्रेस रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, फंगल नहीं रहेगी, और ये कोई शॉप के बच्चे नहीं है, ये आपको ला के बेच रहे, ये देख सकते हो ये इसकी मदर है, ये इनके बच्चे है, और ये मेरी पर्सनल कैट है, मैं ऐसा डेली सेल नहीं करता, ये वंस इन अ ब्लू मून मेरे पास आते तो मैं दे, वो ऑलरेडी बुक हो जाते हैं, तो अभी मेरे पास देने के लिए 3 बच्चे अवेलेबल है, सिर्फ 3 बच्चे अवेलेबल है, जिसमें से ये एक बेबी डॉल फेस में, ये मतलब जो है पंच है, बट इसकी जो ये एक्सट्रीम पंच फेस का बच्चा है, इसका जब माँ बाप होंगे मतलब ये जब ब्रीड करेगा तो ये भी एक्सट्रीम ही निकालेगा, तो ये भी आपको मिल जाएगा, फिर ये भी मिल जाएगा आपको, इसकी ये भी ये ज़ारा जैसा ही है सेम एक्सट्रीम में, ये भी ये फेस सेम है, और थर्ड जो बच्चा है ये मेरा मोटू है,
ये भी मुझे देना है, ये बहुत डेंजर है। ये बहुत एकदम क्यूट सा बच्चा है मेरा, इसकी जबा टंग देखिए निकाल रहा है। हाँ, दो टोन डाली टंग रखता है, तो भी काफी क्यूट है, क्योंकि घर की ब्रीड जो रहती है ना वो एकदम टेक केयर करते हैं, एकदम साफ सुथरा अच्छी तरह घर की ब्रीड रहती है, साफ सुथरे रह के कोई बीमारी बीमारी नहीं मिलेगी। देखो भाई का आराम से बैठा है, तो अगर आपको गाइस कैट्स चाहिए तो इधर से आके ले सकते हैं, इधर पर ना अच्छी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। तो भाई का कांटेक्ट नंबर है, तो भाई से बात करके और ले सकते हैं। मेरा कांटेक्ट करिए, आपको प्री बुकिंग करना है प्री बुकिंग कर सकते हो, तीन ही बेबीज अवेलेबल है सिर्फ, ज़्यादा बच्चे नहीं है, एक्सट्रीम में दो है एक पंच में है, जो इसकी प्राइसिंग है मैं आपको बता दूंगा कॉल पे। और ये जो है एकदम मतलब एक्सट्रीम पंच फेस के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में, प्लस क्वालिटी नहीं मिलती है। अब मेरे पास क्वालिटी है प्लस CFA रजिस्टर अपनी बिल्ली जो है, इसका मेरा पूरा चिप विप सब लगा हुआ है कैट का। अगर आपको ये बच्चे का मतलब वैक्सीनेशन के साथ चाहिए तो 2 महीना रुकना पड़ेगा, वैक्सीनेशन के साथ भी मिल जाएगा। तो अगर किसी को और दूसरे ब्रीड में चिरा कैट तो उसमें मिल जाएगा, सब मिल जाएगा मेरे पास, मगर ये जो मेरे घर के बच्चे ही मैं सेल करता हूँ, मैं बाहर से नहीं ला के सेल करता हूँ। आप इसकी क्वालिटी चेक करिए, इसके पिंक है एकदम बच्चा, देखो इसके लेग्स जो एकदम पिंक है, पिंक ही लेग है, जिसका अंडर बॉडी पूरा नीचे का पूरा वाइट है और ऊपर से ऑरेंज है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जैसा सॉक्स पहना ऐसा लगेगा आपको, मतलब जो वाइट कलर का दिख रहा है ऐसा का सॉक्स है बॉडी में। तो ये कहना प्लेफुल रहती है एकदम, बहुत प्लेफुल, अभी ये तो बच्चे छोड़ रहे हो, ये कैसे खेल रहा है, इसकी आईज देखिए आप, इसकी आईज देखिए आप, समझ में आएगा आपको, ये तो बार बार जबान ही बाहर निकालता है। और ये सब कैसा है, इन्फेक्शन फ्री बच्चे हैं, इन्फेक्शन फ्री बोलेंगे तो मतलब कैसा रहेगा, इनमें ना बहुत सारे इन्फेक्शन आते हैं, मतलब जो लोग डस्ट का इन्फेक्शन है या अपने बच्चे में डस्ट वेस्ट कुछ नहीं, क्लीन हाइजीन रखते हैं इसको, और इसकी बॉर्न वीडियो से लेके अभी बड़ा होने तक की वीडियो मिलेगी आपको, सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो बहुत ऐसा बोलते हैं कि घर में बिल्ली एकदम गंदा कर देता है पूरा, टॉयलेट ट्रेन रहेगी कैट, टॉयलेट ट्रेन है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको इसमें रखना चाहिए, ऐसा ही कुछ रहेगा इंक्लोजर उनका। मैं पूरा मतलब मेरे जो कैट है बेबीज है छोटे है, तो इनको है ना थोड़ा प्रोटेक्टिव मतलब सेफली रखना पड़ता है, हाइजीन रखना पड़ता है। मैंने इसका प्रॉपर एक केज में सेटअप किया, वहाँ पे वो अंदर रहते हैं घूमते हैं सब बेड पे, देखो आप चलने लग रहे अभी है। ये 4 February की बॉर्न डेट है इनकी, तो आप एक अंदाजा लगा कितना गुड हेल्थ में अभी, बहुत छोटे है अभी मगर ट्राई भी कर रही है चलने, अभी ट्राई करना चालू किया वॉकिंग करना, तो ये सब अब बच्चे मिल जाएगी आपको अवेलेबल। तो बेबी केयर कैसे करने का, क्या कह रहे हैं, ये अभी देना नहीं है, ये जब बड़ा होगा तभी देना है, मतलब 2 months की एज पे इसको मैं सेल करूंगा। मुझे ऐसा नॉलेज बोल रहा हूँ, किसके पास अगर रहेगा बेबी तो कैसा क्या रखना चाहिए। इसका मिल्क आता है, मैं जो यूज करता हूँ वो इम्पोर्टेड मिल्क आता है, वो सिर्फ मतलब इतना से डब्बा इट कॉस्ट अराउंड 1600 rupees कॉस्ट करता है, तो मैं वो खिलाता हूँ इनको डेली, एक टाइम नहीं 2 बार दिन में देता हूँ मैं, मतलब एक बॉटल 2 times चलता है। हाँ, एक मतलब एक जो फीड मैं इसको सुबह देता हूँ, एक फीड रात में, तो बाकी जो मदर पे है इस पे रहता है। जब भी तो इसकी क्वालिटी आप चेक करोगे एकदम प्रीमियम क्वालिटी के बच्चे हैं, और ये साइज अभी इनका इतना बड़ा हो गया ऐसा लगा बड़ा बच्चा, बट ये अभी तक सिर्फ छोटे ही है। कैसे चाट रहे हैं, एकदम प्लेफुल है, तो अभी अच्छा मौका ले सकते हो भाई की तरफ से, क्योंकि ये भी पता नहीं कब सेल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता ना भाई, कभी भी सेल हो जाती है ना ये। हाँ, ये सब बच्चे मेरे फटाफट बुक पे जाते हैं, ये क्वालिटी का पैसा है, क्वालिटी चीज़ें आप रखोगे आप बड़ा करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसकी हेयर क्वालिटी देखिए, अभी बहुत बच्चे मगर इनके हेयर ट्रिपल कोटेड है पूरा, अब चेक करिए इतने से बच्चे, जैसे घर में बच्चे रहेंगे तो उनके तो मजे ये खेलने के से देख सकते, सामने कैसा खेल रहा है ये, देखो चारों ये इसका इसको भी देखिए, ये कितना प्यारा है, इसकी आईज देखिए सबसे बड़ी आईज है। हाँ, सेम जारा पे गया, जो इसकी फीमेल है उस पे गया सेम है। तो ये तो अभी लड़का दूध पिला दिए, तो अभी ये लोग आराम से बैठे, पर ये सबसे प्लेफुल लग रहा है मेरे को। हाँ, ये बहुत प्लेफुल है। तो गाइस अगर जितना ले सकते भाई से अगर बात कर लो, अगर चाहिए रहेगा आपको, कैट लवर हो तो आप जरूर लीजिए। देखिए ये मेरा फेवरेट बच्चा है, प्योर क्वालिटी टॉप क्वालिटी का मेल है, मतलब ये मेरा बच्चा है, इसका नाम मैंने मोटू रखा हो क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटा है और सबसे जल्दी बड़ा हो गया। ये भी मेरा जो एकदम 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 प्यारा बच्चा है। ये तो गाइस ये सेल के तो नहीं है, पर अगर भाई को कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना कि दूसरा अगर रहेगा, बाकी ऐसा चीज़ तो मिल जाएगा, बाकी ये तीनों देना है।
1 hour later. तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ और मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग मतलब कैट्स दिखाया और उनके बेबीज थे जो कि सेल के लिए थे, तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया और बर्ड्स भी दिखा दिया, एफ्रिकन ग्रे और शुगर ग्लाइडर सब दिखा दिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।